21 बेस्ट किचन टिप्स जो अब से पहले कभी नहीं सुने होंगे। 1. टमाटर के सेवन से बीपी की बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बीपी के रोगियों को रोज पके हुए लाल टमाटर सेंधा नमक डालकर सलाद के रूप में खाने चाहिए, इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। 2. कच्चा केला विटामिन तथा खनिज का उच्च स्रोत है। कच्चे केले की सब्जी काफी पौष्टिक होती है तथा इसके सेवन से दस्त तथा पेचिस में लाभ होता है। केले की सब्जी बहुत कम तेल में बनानी चाहिए, तलकर तो कभी ना खाएं। 3. दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द अथवा सूजन की समस्या से राहत हेतु एक गिलास पानी में 3 से 4 अमरूद के पेड़ के पत्ते उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छानकर नमक के साथ कुल्ला करने से बहुत ही लाभ होता है। 4. हल्दी में कुक्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो लीवर को सुरक्षित रखने में बहुत सहायक है। यह तत्व हल्दी को पीला रंग देता है तथा लीवर को कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाता है। 5. भिंडी में पेक्टिन तथा घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम रहता है। 6. जोड़ों के दर्द में सरसों के तेल की मालिश करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा सरसों के तेल के सेवन से अंदरूनी दर्द में भी आराम मिलता है, इसलिए खाने में भी सरसों का तेल को शामिल करें। 7. मच्छर के काटने से लाल चकते पड़ जाते हैं जिनमें बहुत खुजली तथा जलन होती है। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस प्रभावित स्थान पर लगाने से शांति मिलती है। 8. कमल ककड़ी का सेवन मधुमेह के रोगियों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये शुगर लेवल को कम करती है। 9. गर्मी के दिनों में पंखे, कूलर तथा एसी के कारण हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है, इसके लिए प्याज के रस को गुनगुना करके हथेलियों तथा पैरों के तलवों की मालिश करने से बहुत ही लाभ होता है। 10. मेहंदी में दही और आंवला का चूर्ण मिलाकर 2-3 घंटे बालों में लगाने से बाल घने, मुलायम, काले और लंबे होते हैं। 11. एक बाल्टी पानी में उतना गुनगुना पानी लें जिसमें पैर डूब जाएं। इसमें एक नींबू का रस मिला लें और 15 मिनट तक पैर डुबोए रखें। फिर पैरों को साफ कर कुछ भी मॉइस्चराइजर या ऑयल लगा लें, इससे पैर की सुंदरता बढ़ती है। 12. रात को 8 से 10 मुनक्के पानी में भिगो दें। सुबह इनके बीज निकालकर मुनक्कों को अच्छे से चबाकर खाने से शरीर में खून बढ़ने के साथ खून साफ भी होता है। 13. हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नमक लहसुन में मिलाकर पीस लें और चटनी बना लें। इस चटनी के सेवन से हीमोग्लोबिन का इलाज करने में मदद मिलती है। 14. गले में खराश होने पर 2 से 3 तुलसी के पत्तों को पानी में डालें और हल्की आग पर उबालें। जब तुलसी का सारा रस निकल जाए तब उस पानी से गरारा करें, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। 15. रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने से कब्ज दूर होती है। 16. त्वचा पर झुर्रियों को दूर करने के लिए 1 चम्मच उड़द दाल भिगोकर रात भर के लिए रख दें। सुबह पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से झुर्रियां दूर करने के साथ साथ त्वचा को चमकदार बनाती है। 17. दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए चुटकी भर नमक में 2-3 बूंदे सरसों के तेल की मिलाकर दांत साफ करें, इससे आपके दांतों का पीलापन दूर होगा। 18. प्याज पीसकर उसका रस कपड़े से छान लें, फिर उसे गर्म करके 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिट जाता है। 19. हल्दी, मेथी दाना, सौंठ 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। इसे सुबह नाश्ते के बाद और शाम खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेने से जोड़ों के दर्द, गठिया और कमर दर्द में राहत मिलती है। 20.
हमारे शरीर में बड़ी मात्रा पानी की होती है, इसलिए शरीर में पानी की जरूरी संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जिससे शरीर का आंतरिक तापमान भी सामान्य रहता है और मांसपेशियां भी सक्रिय रहती है। इसलिए पानी 8 से 10 ग्लास रोज के जरूर पिए। 21. राजमा में प्रोटीन का बड़ा स्रोत होता है। ये शरीर की पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूती देने में सहायक है। ये वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपके कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर ये नियम अपनाएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।